आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर इन दिनों बेहद संकट के दौर से गुजर रही हैं। पहले तो उन्हें बैंक से हटा दिया गया था और अब उनके खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईडी द्वारा उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी और यह कार्रवाई वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के ठिकानों पर भी की गई। उल्लेखनीय है कि वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन हैं और वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सन 2012 में दिए गए 1875 करोड़ के लोन को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है। यह भी कहा जा रहा है कि उसके न्यू पावर रिन्यूएबल्स के साथ ही जो लेन देन का मामला जुड़ा है उसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ईडी ने कोचर के निवास पर छापा मारा है। ईडी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि चंदा कोचर के मुंबई और धूत के औरंगाबाद स्थित 5 कार्यालयों और आवासीय परिसर में छापेमारी की गई। कुल मिलाकर एक समय में दुनिया की अनेक शक्तिशाली महिलाओं में शामिल रही चंदा कोचर इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। वे आईसीआईसीआई बैंक से भी विदा हो चुकी हैं और अब लगातार उन पर ईडी भी शिकंजा कसता चला जा रहा है। कुल मिलाकर यह भी कहा जाता है कि न्यू पावर चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी है और यह आरोप है कि धूत ने लोन के बदले दीपक की कंपनी में निवेश किया। ईडी ने कोचर और उनके पति दीपक कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत भी एक प्रकरण दर्ज किया है। सीबीआई द्वारा भी इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर और धूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर सीबीआई अपनी एक कार्रवाई अलग ही कर रही है। इधर कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि चंदा कोचर को लेकर एक लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि वे माल्या की तरह अपने देश से यानी भारत से बाहर भाग नहीं सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।